अच्छा जी, अभी हम लोगों ने अनसॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट की है। अभी इसकी लॉजिक हमारे जहन में फ्रेश है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी अनसॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक मतलब, और ADT इंप्लीमेंट करते हैं इसी को मॉडिफाई करके, जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसी को मैं सेव एज सॉर्टेड कर लेता हूँ, फिर इसी को हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे। सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जब हम लोग की वैल्यूज स्टोर करवाते हैं, तो हमारे पास लेट से अगर हम लोगों ने एक लिस्ट ली, लिस्ट INT L, और फिर हम लोगों ने कहा L डॉट इंसर्ट 5, ठीक है, फिर L डॉट इंसर्ट 2, फिर L डॉट इंसर्ट 7, फिर एल डॉट इंसर्ट 4। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो वैल्यूज हमारे पास स्टोर्ड होंगी, ये सॉर्टेड फॉर्म में होंगी। दैट मीन्स के सबसे पहले अगर हमारे पास 5 आया, तो इन दी एंड इन वैल्यूज को स्टोर करने के बाद, चले वन बाय वन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले 5 को इंसर्ट किया, तो हमारे पास 5 इंसर्ट हो गया, ठीक है, और हेड और जो टेल है दोनों के अंदर हमारे पास इस 5 वाली नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर जब हम लोगों ने 2 को इंसर्ट किया, तो 2 मस्ट बी इंसर्टेड बिफोर 5। सॉर्टेड फॉर्म में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो 2 हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो गई ये वैल्यू। हेड के अंदर अब इसका 2 वाली नोड का एड्रेस आ गया, और 2 डॉट नेक्स्ट में हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर अब 7 को इंसर्ट किया, तो 7 जो है उसने हमारे पास 5 के बाद इंसर्ट होना है, हमारे पास 7 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है वैल्यू, और 5 डॉट नेक्स्ट के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस आ गया, और फिर टेल के अंदर भी 7 वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर जब हम लोगों ने 4 को इंसर्ट किया, तो 4 जो है वो हमारे पास 2 और 5 के बीच में उसको इंसर्ट होना चाहिए। तो जब 4 को हम लोग इंसर्ट करेंगे, तो 4 डॉट नेक्स्ट के अंदर हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। 4 डॉट लिंक में, 2 डॉट लिंक के अंदर हमारे पास 4 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में जो है वो लिस्ट उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में रहे। अच्छा, इसका मैं आपको होमवर्क के तौर पे ये चीज़ देता हूँ कि आपने ये जो सॉर्टेड लिंक लिस्ट होगी, इसके सारे फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली है, और इवन जो लिस्ट की हम लोगों ने पहले जो दो वेरिएशंस की हैं, उसकी भी आपने सारे फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली है। प्रैक्टिकली आपने इतना ध्यान में रखना है कि जो सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, इसका हमें जब आप वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकालेंगे, तो आपको इस चीज़ का आइडिया भी हो जाएगा कि इसका सॉर्टेड लिंक लिस्ट का हमें कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है, इसके अंदर इंसर्शन, सर्च, ये सारे फंक्शंस आप देखेंगे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास कोई, अगर हम लोग इसे कंपेयर करें अनसॉर्टेड से, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कुछ फंक्शंस की इंक्रीज हो जाएंगी, डिक्रीज नहीं होंगी। ठीक है, तो वी डू नॉट हैव एनी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो प्रैक्टिकली आप जो है वो कभी भी इस ADT को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसका हमें फ़ायदा क्या है कि बीइंग स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ जब हम लोग ने नोट्स को दो नोट्स के बीच में इंसर्ट करना है, तो वो हमारे पास थोड़ा सा एक एक ट्रिकी चीज़ होगी। तो फ्रॉम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे पास सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, इसे हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।